हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं टेकिस्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हमारे पास है रेडमी 8A और दोस्तों मैं आज इस वीडियो में इसका अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आपको भी इस फोन का अनबॉक्सिंग देखना है तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक पूरे ध्यान से देखते रहना है। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है Redmi 8A का बॉक्स, आप देख सकते हैं यहाँ नीचे Redmi 8A लिखा हुआ मिल जाता है। और दोस्तों इस फोन में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, वो भी आपको बॉक्स के ऊपर में ही लिखा हुआ मिल जाता है। और इस फोन में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और दोस्तों ये जो स्मार्टफोन ये 3GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट है। और दोस्तों साइड में भी आपको सेम रेडमी 8A लिखा हुआ मिल जाता है। और दोस्तों इस फोन के बैक में आपको कुछ हाइलाइटिंग फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि इस फोन में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 439 का प्रोसेसर है, 5000 mAh की बैटरी है और इस फोन में 18W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है। तो दोस्तों इस फोन के और भी डिटेल्स और एस्पेक्ट्स के बारे में जानेंगे आगे वीडियो में। तो चलिए इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ मैं ओपन कर लेता हूँ इस बॉक्स को। तो दोस्तों जैसे ही बॉक्स को ओपन करते हैं यहाँ पे और एक व्हाइट कलर का बॉक्स मिलता है, तो देखते हैं इसके अंदर क्या मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मिलता है सिम इजेक्टर टूल और यहाँ पे मिलता है यूजर गाइड, जिसे पढ़कर आप इस फोन को यूज करना सीख पाएंगे। तो चलिए इसको अभी साइड में रख लेते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या कुछ मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे है हमारा स्मार्टफोन Redmi 8A, तो इसको मैं फिलहाल बाहर निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों ये है स्मार्टफोन, तो इसको मैं बाद में देखता हूँ, अभी इसको साइड में रखते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या मिलता है। तो ये क्या है, ये पता नहीं क्या है। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिलता है 10W का चार्जर, USB टाइप सी पोर्ट। तो दोस्तों इस बॉक्स में इतना ही मिलता है, तो चलिए सभी चीजों को साइड में रख लेते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से एक बात बताना भूल गया कि इस फोन के बॉक्स में आपको कोई भी TPU केस नहीं मिलता है। और दोस्तों ये है हमारा स्मार्टफोन, तो चलिए इसको प्लास्टिक रैप से बाहर निकालते हैं और देख सकते हैं ये जो स्मार्टफोन है ये कितना अच्छा लग रहा है। इस फोन के फ्रंट में आपको वाटर ड्रॉप नॉच मिलता है और बैक साइड का डिजाइन आप देख सकते हैं। और दोस्तों ये जो डिजाइन है ये पहले हमने ओप्पो रेनो में देख चुके हैं। और रियर में आपको सिंगल कैमरा मिलता है जो कि 12 MP का है और उसके नीचे आपको LED फ्लैश लाइट भी मिल जाता है। और इस फोन में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलता है। तो दोस्तों जब तक ये फोन स्विच ऑन होता है, इस फोन के फिजिकल ओवरव्यू की बात कर लेता हूँ। तो दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ पे सिम स्लॉट मिलता है, तो देख लेते हैं इस फोन में आपको डेडिकेटेड सिम स्लॉट मिलता है या फिर हाइब्रिड। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको डेडिकेटेड सिम स्लॉट मिलता है, यानी आप 2 SIM और 1 SD कार्ड एक साथ यूज कर पाइएगा। तो चलिए इसको अंदर कर देते हैं। और दोस्तों राइट हैंड साइड में आपको पावर बटन मिलता है और ठीक उसके ऊपर आपको वॉल्यूम अप डाउन का बटन मिल जाता है। और ऊपर साइड में आपको यहाँ पे सेकेंडरी माइक मिलता है और नीचे साइड में आपको 3.5 mm का ऑडियो हेडफोन जैक मिलता है, माइक्रोफोन मिलता है, USB टाइप सी मिलता है और स्पीकर ग्रिल मिल जाता है। और दोस्तों इस फोन में आपको फेस अनलॉक का भी सपोर्ट मिल जाता है। तो चलिए फोन को सेटअप कर लेते हैं, उसके बाद इस फोन के फुल स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों अगर इस फोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो दोस्तों इस फोन में 6.22 इंच के साथ HD+ IPS LCD का डिस्प्ले मिलता है, जिसके ऊपर कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है। रियर साइड में 12 MP का कैमरा मिलता है और फ्रंट साइड में वाटर ड्रॉप नॉच के साथ 8 MP का कैमरा मिल जाता है। और दोस्तों इस फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 439 का प्रोसेसर मिलता है और इस फोन में MIUI 11 का सपोर्ट भी मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी बात है। और दोस्तों इस फोन में वायरलेस FM रेडियो भी है और इस फोन में फेस अनलॉक का भी सपोर्ट मिल जाता है। और दोस्तों अगर इस फोन के प्राइस के बारे में बात करें तो दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में प्राइस मिल जाएगा, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। और दोस्तों आप नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि इस फोन के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, ये जो फोन है आपको पसंद आया या फिर नहीं, आप नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आपने अभी देखा Redmi 8A का एक छोटा सा अनबॉक्सिंग। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल पाएगा। तो दोबारा मिलता हूँ इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, आज का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।